नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। छात्र नेता दिलीप कुमार अब BSSC के बाद बिहार में बेरोज़गारी को लेकर अब एक बड़ा मुहिम छेड़ चुके हैं और इसी को लेकर वो बिहार के लगभग सभी ज़िलों में घूमने का उन्होंने प्लान किया है और सारे ज़िलों में घूमकर वो छात्रों के हस्ताक्षर का प्रोग्राम उन्होंने रखा है और इसी क्रम में वो कई ज़िलों में घूमने के लिए निकल पड़े हैं। और अभी उन्होंने बिहार शरीफ से यानी नालंदा से अपनी शुरुआत की है और इस क्रम में वो छात्रों द्वारा हस्ताक्षर चलाया जा रहा है और छात्रों का वो हस्ताक्षर लेने के बाद वो सरकार को एक तरह से देखा जाए तो सरकार में अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। और इसी क्रम में वो बिहार शरीफ में देखिए कि वो किस तरह से छात्र को संबोधन कर रहे हैं और कई सैकड़ों की संख्या में छात्र वहां जमा हुए हैं और क्या कुछ दिलीप कुमार वहां कह रहे हैं आप सुने। कि विधानसभा में आवाज उठ रही है, जब सारे जिला से 1,00,000 का हस्ताक्षर हो जाएगा तब क्या होगा आप लोग खुद समझिए। अभी नालंदा जिला में सिर्फ शुरुआत हुई है तो यहाँ जाएगा। और हमारा अगला कुछ मांग है 35% बाहर मिल रहा है, किसी भी राज्य में आरक्षण का लाभ वहाँ के मूल निवासियों को मिलता है, न कि बिहार से बाहर के या किसी भी राज्य से बाहर के निवासियों को। बिहार से बिहार के सोच को झारखंड में तेलंगाना में फॉर्म नहीं भरने दिया जाता और यहाँ बाहर की महिला को आरक्षण दे रही है, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। रेलवे किसी ग्रुप भी ये मांग केंद्र सरकार से है, ये बहाली न्याय के साथ जल्द पूरी हो और रेलवे का भी वार्षिक कैलेंडर जारी हो। पहले रेलवे की हर साल वैकेंसी आती थी लेकिन अब हर साल वैकेंसी नहीं आती है, हर साल वैकेंसी नहीं आती है तो हर साल वैकेंसी आनी चाहिए। ये सब जो डिमांड है हमारा आरक्षण को लगे गलत है तो बताइएगा, हम उसमें सुधार भी करेंगे लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने पूरे अपने अनुभव के आधार पर यह तय किया गया है और बिहार के समाज छात्र छात्राओं से जो आया है मैसेज या कॉल आया उसके आधार पर किया गया है। ये सब हमारा मुद्दा है, ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल करेगा, 5 साल 4 साल में पूरा होता है तो हम यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, तो ये 3 साल में ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो पूरा होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, लेकिन ये जोश और जुनून आगे भी बरकरार रखना है, ये नहीं कि यहाँ से जाने के बाद शांत हो जाए। BPSC की बात बता रहा हूँ, BPSC में 25 लाख इंटरव्यू भी मांगा जाता है, कोरोना के चलते 25 लाख से 30 लाख नहीं हुआ है, दरोगा बहाली में भी 25 लाख, इसमें इंटरव्यू में 25 लाख, और दरोगा बहाली में PT में फिजिकल सबका 25 लाख, BPSC में 25 लाख मांगा गया इंटरव्यू में, मार्क्स आप 25 लाख दीजिएगा आपका मार्क्स ज्यादा दे देंगे। तो सुना आपने, छात्र नेता दिलीप कुमार ने इस मुहिम की शुरुआत कर दी है और इस बीच में वो बिहार शरीफ में छात्रों को संबोधित करते हुए अपनी बातें रख रहे हैं। वो मामला बिहार कर्मचारी चयन आयोग का हो, चाहे मामला BPSSC का हो दरोगा बहाली को लेकर, या फिर BPSC, या फिर कहें कि बिहार में सभी आयोगों के द्वारा जिस तरह से वैकेंसी निकलती है और उसे लेकर जो लंबी प्रक्रिया चलती है और बहाली को लेकर समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, इन सारी चीज़ों पर साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर भी वो एक मुहिम चला रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। और इस तरह से अब देखना है कि इसका असर सरकार पर कितना पड़ता है और क्या ये रंग लाता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल लाइव नेशन 7 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।